क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजद कार्यालय में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की जयंती, कर्पूरी जी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भागलपुर में विवेकानंद जी की प्रतिमा का मेयर ने किया अनावरण, मेयर ने कहा युवाओं को सुभाष चंद्र बोस की लेनी चाहिए प्रेरणा। मोतिहारी में 10 पार्षदों ने मुख्य पार्षद के खिलाफ जताया अविश्वास, ईओ ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। नालंदा में अजय पटेल ने थामा जदयू का दामन, सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कराई जदयू की सदस्यता ग्रहण। नालंदा में पूर्व मुखिया पति पर हमले की साजिश, ग्रामीणों ने आरोपी पिता पुत्र को किया अरेस्ट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नवादा सद्भावना चौक स्थित जिला राजद कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव ने की, जिसके मुख्य अतिथि शेखपुरा जिला प्रभारी एवं पूर्व MLC प्रत्याशी सरवर कुशवाहा थे। ये जयंती समारोह जिला सहित सभी राजद प्रखंड अध्यक्ष ने संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया। कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष ने इस अवसर पर बताया कि कर्पूरी जी उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय सद्भावना चौक के पास जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 99वीं जयंती मना रहे हैं बड़ा धूमधाम से। हमारे आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी हैं, राज्य परिषद के सदस्य गौतम चंद्रवंशी जी हैं, महिला सेल के अध्यक्ष रेणु सिंह जी हैं, समीम उद्दीन भाई कल्लू केवाड़ी जी, अन्य सभी कार्यकर्तागण यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और पूरे धूमधाम से हम लोग जयंती कर्पूरी जी का मना रहे हैं। और आदरणीय नेता तेजस्वी जी का ये आह्वान है कि हम लोग संविधान बचाओ संबंधित एक संकल्प लेना है, जो संविधान अभी लोग खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोगों को चलना है। जिला के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उपस्थित हैं और हम लोग बड़ी धूमधाम से आज कर्पूरी जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 1 फरवरी जगदेव शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जो पटना बापू सभागार में होगी। उसके लिए भी हम लोगों ने पहले मीटिंग में भी सभी लोगों को निमंत्रण दिया था और आपके माध्यम से भी निमंत्रण देना चाहता हूं कि बिहार लेलिन जगदेव बाबू जयंती हम लोग शताब्दी समारोह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 फरवरी को मनाया जा रहा है और हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि वहां पर पहुंचकर पटना में बापू सभागार में 1 फरवरी को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत। खबर नालंदा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह खेमे में शामिल अजय पटेल ने एक बार फिर जदयू का दामन थाम लिया। बिहार शरीफ के जदयू कार्यालय में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने अजय पटेल को जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई।
इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह के यहां संगठन नाम का कोई चीज नहीं है, बल्कि दरबारी संगठन है जिसमें अजय पटेल खुद को कुंठित महसूस कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि अजय पटेल जदयू में रहकर संगठन का काम करते रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जिनको जहाँ इच्छा है वहाँ रहते हैं, जहाँ इच्छा खत्म हो जाती है वो चले जाते हैं। अब पटेल जी को इच्छा था कि आरसीपी के साथ घूमें, कहीं घूम रहे थे बेचारे। अब इनको इच्छा हुआ कि नहीं वहाँ घूमना ठीक नहीं है, न दलित में ठीक है, न संगठन के हित में ठीक है, न लोगों के हित में ठीक है, न जिला के हित में ठीक है, न गरीबों के हित में ठीक है, तो ये वापस आ गए। तो जिन लोगों को नीतीश कुमार जी की नीतियाँ, जेडीयू की नीतियाँ, नीतीश कुमार जी का काम, उनका गरीबों के प्रति उत्थान का नज़रिया अच्छा लगेगा, उनका मॉडल अच्छा लगेगा, वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पूजा कुमारी के खिलाफ एकजुट होकर 10 पार्षदों ने मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास जताया। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद टूना कुमार सुरेश राम संजय किसान ने बताया कि मुख्य वार्ड पार्षद पूजा कुमारी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अपने चहेते वार्ड पार्षदों के द्वारा सभी वार्डों में विकास राशि का बंदरवाट किया जाता है, बाकी 10 पार्षदों को कोसों दूर विकास कार्य के लिए रखा गया। तो वहीं ईओ अजय कुमार ने बताया कि पार्षदों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, मुख्य पार्षद को भेजा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। इससे पहले की आज सामान्य बैठक की गई है नगर पंचायत कार्यालय में, और इसमें कुछ विशेष जो जरूरी कार्य है उस पर भी चर्चा हुई है, और मेन मुख्य हम लोग का था कि अविश्वास लगाना। आज हम लोगों ने मुख्य पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं, और इसमें हम लोग का कारण है कि हम लोग जो उम्मीद से पार्षद बनाए थे पिछले बार, उस उम्मीद पर इन्होंने नहीं उतरा है, और विकास कार्य भी एक तरफा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार जो चहेते पार्षद है उन्हीं के का काम विशेष करके दिया जा रहा है। आज पकड़ी दयाल नगर पंचायत के बोर्ड की सामान्य बैठक थी जिसमें पिछले बैठक में जिस एजेंडे पर बैठक हुई थी, जो निर्णय लिए गए थे, उसकी समीक्षा बोर्ड के सदस्यों के द्वारा की गई। उसके बाद वर्तमान समय में वार्ड वार क्या क्या समस्याएं हैं, विकास योजनाओं से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एवं अन्य साफ सफाई, नाली, रोड से संबंधित, ये वार्ड वार कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, इसका सभी वार्ड पार्षदों ने अपना अपना प्रारूप दिया जिसको सर्वसम्मति से पास। जवाब आया है जो पूजा कुमारी का घर जो उठ के चली गई, हम जब अविश्वास पत्र उनको दाखिल किए हैं तो उठ पर चली गई है। कार्यपालक पदाधिकारी बोले हैं, उनको कहे हैं तो बोले हैं जो आप मेरे बड़ा बाबू से रिसीव करा लीजिए, तो उनको दे करके रिसीव करा लिया, जिसमें हम सभी माननीय सभी पार्षद 10 आदमी से हम लोग उसमें दस्तखत करके उसमें संलग्न किए। बैठक में अथी जो जहाँ जहाँ आवश्यक कार्य है उस पर अध्यक्ष हटाने के संबंध में पाते हुए, तो अध्यक्ष के पद से क्या आया है? संतुष्ट नहीं है, कोई काम कोई ढंग से काम नहीं होता। भागलपुर के लाल ने कमाल कर दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बना दिया है। कुतुबगंज निवासी मुकेश कुमार ने लगातार 2.5 घंटे तक 4040 पुशअप लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। मुकेश ने साल 2022 में 2500 पुशअप लगाए। वर्तमान में मुकेश NCC 4th बिहार बटालियन में प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ मुकेश ने भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। मुकेश कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। भागलपुर में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाजपत पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने भागलपुर के सभी युवाओं को सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेने को कहा। आज
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो जैसे नारा उन्होंने दिया है। तो हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग उनके जज्बे को बरकरार रखिए और उनके कदम पर कदम मिला करके उनसे चलें और देश को बचाने के लिए, देश प्रेम जगाने के लिए अपने आप को हमेशा प्रेरित करते रहें। खबर वैशाली जिला के बेलसर प्रखंड की है, जहां एक महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की खबर से आसपास के ग्रामीण लोग लाश को देखने के लिए पहुंच गए। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने बेलसर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई और आगे की जाँच में जुट गई। यहाँ से पब्लिक फोन किए थे कि डेड बॉडी है हजपुरा गाछी में, उसी सूचना पर हम लोग आए थे यहाँ पे। डेड बॉडी का अभी पहचान नहीं हो पाया है, और ऐसा लगता है कि उसका कहीं इलाज हुआ है और उसके बाजू में नीडल वगैरह लगा हुआ है। जहर का मामला हो सकता है या कोई और मामला हो सकता है, और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ पर ला के। नालंदा के कराए पर सुराय थाना क्षेत्र के डियामा गांव में शराब के धंधे का विरोध करने पर दो पक्षों में चाकू से मारपीट की घटना में फरार आरोपी बबलू मांझी को थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में लोडेड पिस्तौल, 4 खोखा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी शराब का कारोबार करता था, जिसका ग्रामीण विरोध करते थे। आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा में बदमाशों ने एक ही परिवार के कुल 4 लोगों के साथ शराब के नशे में मारपीट कर जख्मी कर दिया। गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे कुल 4 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं इस संबंध में नालंदा थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, पता लगाया जा रहा है, आवेदन मिलने पर जाँच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने ओकर गाड़ी ऑटो हली सर तो चोरी हो गए। हाँ। सुन लो, तब तोरा हम कही कि मोबाइल चोरा ले लियो, तू कहू कि हमारा मोबाइल चोरा ले लगी, तब तू हमरा पकड़बू तब न सर, तो हम कहिए ठीक है साब कर दा, तू हमरा से डंडो जुर्माना ले लो। ये बात कहलिए, सुन लो बस, गाड़ी हुनखर आ चोर पकड़ा लखी। सुन लो, थाना में गाड़ी आ चोर सब पकड़ा लखी। यही आज हो गलो कम दिन गाड़ी चोर सब पकड़ा लखी। चोर अखिन हिया के देखो बतावे हो छोड़ो। आज क्या हुआ? आज की वही की तोहानी है, बल नाई हर ना चाहे हर ना तक काहे निमरा जात कौची पर दूसरा घर करवे करती कौची जा चाट के लका दे मार दे जा की करती।
बस यही लड़ाई सर, आप वही लड़ाई। नालंदा में बदमाशों के द्वारा पिता पुत्र पर हमला करने की योजना को ग्रामीणों ने विफल कर दिया है। ये मामला हिलसा प्रखंड के अरपा पंचायत के पूर्व मुखिया पति अजीत सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन पर एक बार फिर से बदमाशों के द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार हमला करने के पूर्व ग्रामीणों ने गोली पिस्तौल के साथ पिता पुत्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं इस संबंध में हिलसा थाना अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को हथियार दिया गया है। पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत हिलसा थाना क्षेत्र के दिवरा पर गांव के रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया। वहीं इस मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें, पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। किसका हत्या किया गया, क्योंकि इसका जो रेलवे ट्रैक पर जिस जगह पर लाश मिला है उससे 50 फीट के दूरी में इसका जैकेट जो है, जो फुल जैकेट पहने हुए था, उसका बायां बाजू कटा हुआ है, लेकिन जो मृत लड़का है उसका बायां बाजू कटा हुआ नहीं है। और उसके बाद घटनास्थल से 300 मीटर दूरी पर इसका मोबाइल मिलना और चप्पल मिलना और मफलर को मिलना, हम लोग को संदेह है कि इसका हत्या किया गया। खबर सहरसा से है, जहां चर्चित जमीन ब्रोकर को अपराधियों ने सर में गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जख्मी को निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां जख्मी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बता दें, जख्मी के समर्थकों में मामले को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला और सभी समर्थकों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि घटना के बाद शहर के हालात गंभीर होते देख पुलिस प्रशासन पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर अनुसंधान के इसमें जुड़े हुए हैं, आगे जो होगी उसके बारे में बताया जाएगा। क्या स्थिति बनी हुई है सर लोगों की? इसका इलाज, जिसकी गोली मारी गई है वो इलाजरत होगा। क्या प्रथम दृष्टया क्या मामला सर? अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, अनुसंधान जारी। किसी की अरेस्टिंग सर? अरेस्टिंग किसी की अभी तक? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, सभी लोग अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी। सर एक और घटना घटी है सर, इसका डैमेज हो चुका है, स्थिति बहुत नाजुक है, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे ईश्वर इसके साथ जो करें। अभी फिलहाल क्या स्थिति? अभी स्थिति नाजुक है। गोली सर दाहिने जबड़े में लगी है। दाहिने जबड़े में लग के आँख के पास से लग के आँख खराब होते हुए पीछे चेहरे की तरफ से, सर के तरफ से निकल गया कान के। खबर सहरसा से है, जहां जिले के बसनही थाना क्षेत्र के सरोनी मधेपुरा गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद में पिता ने अपनी ही बच्ची, जिसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है, उसको दबिया से काटकर नदी में फेंक दिया। वहीं इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें, पुलिस बच्ची की शव की बरामदगी को लेकर जांच में जुटी हुई है। नहरा जाए कि और कतौ जाए, एहि बीच में हमर बचवा मारि देलकै ठट्ठा दबि कऽ। कहाँ से लाश बरामद हुआ है? नहा फेंक देलकै, कुछ पानि में दए देलकै, फेर दूसरा दिन मट्टी तरमे। तो कहाँ आए हैं आप लोग? क्या पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, या पत्नी जो है, पत्नी वो चले गई नहरा माई के पास, इसी बीच में उसको पिताजी ने मुड़ी मचार के हत्या कर दी, पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया तो कभी पानी में फेंका, कभी मिट्टी तर में फेंका, और मिट्टी तर से बरामद करके हम पोस्टमार्टम करने के लिए हम आए हैं। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।